इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो NIOS के स्टूडेंट्स हैं वो अपना स्टडी सेंटर कैसे पता कर सकते हैं और अपने टीचर का मोबाइल नंबर और टीचर का ईमेल आईडी कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है। सर्च बार में आप टाइप करेंगे NIOS, टाइप कर आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप पहले नंबर पर लिंक देखोगे होम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन .. ठीक इसके नीचे आपको चार पांच लिंक और मिलेगी, जिसमें आपको एक लिंक मिलेगा स्टूडेंट लॉगिन का। आपको स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड है तो यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे और फिर कैप्चा डाल के लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना है कि ये लॉगिन के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा लॉगिन बाय रेफरेंस नंबर और एनोनिमस नंबर। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर डालना है आई कार्ड पे से देख के, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पे ये कैप्चा दिखेगा, इस कैप्चा को इस कॉलम में फिल कर देंगे और देन आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक काम करना है कि इस विंडो को डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। डेस्कटॉप मोड में करने के लिए आपको राइट कॉर्नर में देखना है, टॉप में तीर जैसा निशान दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट का, आपको इस कॉलम पर चेक बॉक्स कर लेना है। फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, फिर डैशबोर्ड पर क्लिक करना है और फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई डिटेल्स में, ये आप देख पा रहे होंगे, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। माई डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखोगे कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर, एनरोलमेंट नंबर और स्टडी सेंटर नेम और एड्रेस, जो भी स्टडी सेंटर का आपका एड्रेस है वो, फ़ोन नंबर आपका टीचर का मिल जाएगा और फिर आपका ये जो ईमेल आईडी है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो सबको पता होगा कि जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है वो स्कूल का हो या टीचर का हो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका बाई चांस कुछ है, जैसे कि TMA वगैरह सबमिट नहीं हो पाता टाइम से या कोई क्वेरी होती है तो आप अपने टीचर से पता कर सकते हो। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना कि अगर फ़ोन लगाते हो आप और आपसे कुछ पैसे की डिमांड करते हैं तो इसमें सावधानी बरतना, पैसे मत देना बिना सोचे समझे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी है तो आप वो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे। ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।